हाय एवरीवन मैं आज आपको बताने वाला हूँ सी एस सी स्किल एकेडमी के बारे में सी एस सी स्किल सेंटर कैसे खोलें क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके मैं सारी चीज़ें आज को पाँच पॉइंट में आपको पूरी सारी चीज़ बताने वाला हूँ पाँच पॉइंट में आप पूरे सारी चीज़ समझ जाएंगे कि कैसे हमें सी एस सी स्किल एकेडमी ओपन करना है स्किल सेंटर ओपन करना है तो सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करते हैं वन वोर्ड डॉट सी एस सी अकेडमी डॉट ओ आर जी ये देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर ये वेबसाइट ओपन है वेबसाइट ऊपर है सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ होम पेज पर ये देखिए होम पेज पर क्लिक है सात हज़ार प्लस न्यू सी एस सी इनका टारगेट है अभी तक बावन सौ इक्यास इक्कीस सी एस सी एकेडमी हो चुकी हैं ठीक है गाइस अब मैं आपको यहाँ पर पूरा सर्विस बताने वाला हूँ कि न्यू सी एस सी में क्या सर्विसेस रहेंगी तो सबसे पहले जो सर्विस रहेगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जैसे आई, आई बैंकिंग का हो गया एस हो गया सी लेवल का हो गया सी एस में एन आई के हो गए तो ये पूरा एवरी ब्लॉक में एंड डिस्ट्रिक्ट में स, ये पूरा सी एस सी एकेडमी का सेंटर बना रहे हैं तो ये आपको सर्विसेज मिलेंगी ठीक है तो पी डब्ल्यू डी स्किल सेंटर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे दिव्यांग लोगों की ट्रेनिंग का टारगेट मिलेगा आर की ट्रेनिंग का टारगेट मिलेगा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोई भी चीज़ यदि आएगी कोई गवर्नमेंट की स्कीम तो सबसे पहले प्रायोरिटी सी एस सी एकेडमी के लिए रहेगी ठीक है फिर तीसरा रहेगा इंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम वो आपके लिए दिया जाएगा सी एस आर फंडेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी सी एस आर फंडेड का मतलब क्या होता है कुछ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिनकी टर्न ओवर करोड़ों अरबों में हैं वो डोनेट करती हैं सी एस आर फंड के हमें इस काम के लिए एजुकेशन के लिए कंस्ट्रक्शन विभाग में किसी भी फील्ड में वो चाइल्ड बच्चों के लिए तो ऐसे फंड देती हैं कि आप हमें ट्रेंड करके इतना इतना ट्रेंड करके कैंडिडेट को दीजिए तो वो आपको मिलेगी गवर्नमेंट स्कीम डिलीवरी प्रिफर्ड सेंटर तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आएगी तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको दी जाएगी सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज लॉन्ग टर्म ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स क्लासरूम बेस्ड प्रोग्राम्स एडमिशन और एडमिशन आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सी एस सी सी में एडमिशन हो रहे हैं जैसे बी सी ए डी सी ए पी जी डी सी ए ये पूरे सारे प्रोग्राम को आपको बेनिफिट मिलेगा तो ये आपका अब मैं बताता हूँ बेनिफिट्स ऑफ बी एल बी एल ई के मतलब विलेज लेवल इंटरप्रेनरिप अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड क्या रहेगी आपको तो सबसे पहले नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हाई विजिबिलिटी क्रेबिलिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी से टाइप रहेगा उसके आपको कोर्सेज मिलेंगे वेराइटी ऑफ प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज मंथली इनकम यहाँ से आपको कैसे मंथली मंगथली इनकम बढ़ेगी स्कूल कॉलेज प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपके सेंटर से सब कुछ होने वाला है ये स्टेट ऑफ आर्ट कोर्सेस मतलब कि यदि कोई एजुकेशन से रिलेटेड जिसमें कोई कंप्यूटर चाहिए पढ़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पढ़ा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी होगी सी एस स्किल एकेडमी की अर्न मनी यहाँ से कर सकते हो कैसे लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्रोग्राम एकेडमी सी एस सी से रिलेटेड एक्सपेंड योर मार्केट रीच फंड फंडिंग एवेलेबिलिटी प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म एग्जामिनेशन सेंटर ये देखिए ओनली सी एस सी से एकेडमी सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर फॉर वेरियस यूनिवर्सिटी बी एल ई आप लोगों की स्पेशल ट्रेन होगी बी एल ई जो सी एस सी एकेडमी सेंटर ओपन कर रहे हैं उनका स्पेशल ट्रेन होगा परफॉर्मेंस के बेस पर अवार्ड भी आपको मिलेगा अब मैं बताता हूँ आपको प्रोग्राम्स कौन कौन से रहेंगे ठीक है गाइस प्रोग्राम्स कौन कौन से रहेंगे ये देखिए अब इन्होंने यहाँ पे अलग अलग डिफाइन कर दिए हैं कैसे कैसे कोर्स रहेंगे स्किल कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेस प्रोफेशनल कैरियर कोर्सेस ये प्रोफेशनल में आ जाएंगे कैसे कंप्यूटर एडिड कैड कोर्स टू डिजिटल फोटोग्राफी टैली बहुत सारे कोर्सेस यहाँ से बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं आप अवेयरनेस कोर्सेस में डिजिटल वेलनेस यूडेमी ऑनलाइन कोर्सेस सेल्फ इनहेंसमेंट कोर्सेस खुद की ग्रोथ के लिए जैसे फर्स्ट एंड मैथ्स इंग्लिश टैली सेंटर फिर आते हैं एग्जाम एग्जाम प्रिपरेशन कोर्सेज में तो इस तरह से आप एग्जाम आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ कैंडिडेट को सर्च करना है ठीक है सारे कोर्सेस यहाँ पे हैं आपको केवल उनको ऑनलाइन अपना लॉगिन रजिस्टर करके उनको पूरा उनको मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए आपको केवल रजिस्टर करके उनको अपना कोर्स देना है आपको अर्निंग करनी है आपकी ठीक है अब मैं आपको समझाता हूँ थर्ड पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो थर्ड पॉइंट सी एस सी एकेडमी कैटेगराइजेशन सी एस सी एकेडमी में कैसे आप एलिजिबल हो पाएंगे इसके लिए क्या उन्होंने रखा हुआ है तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे यदि ऑन बोर्ड सी एस सी एकेडमी चाहिए एक सी एस सी अकेडमी पर वहाँ पर आपको फ्री है जो सी एस जिनके पास सी एस सी है वहाँ पर निःशुल्क लेकिन ऑन बोर्ड डॉट सी एस सी एकेडमी डॉट ओ आर जी पे आपको लॉग इन होना है रजिस्टर होना है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस पाँच हज़ार रुपये लगेंगे पाँच हज़ार रुपये जैसे बयालीस सौ सैंतीस फीस रहेगी जी एस टी सात सौ तिरसठ रुपये रहेगा एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आप एफिडेविट आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है गाइस यह प्रोसेस रहेगी अब मैं बता देता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या चाहिए तो सबसे पहले आपका जो कारपेट एरिया है यहाँ पर जगह स्पेस होना चाहिए मिनिमम आठ सौ स्क्वायर फुट होना चाहिए एक रिसेप्शन डेस्क हो उस पर कंप्यूटर लैब क्लासरूम हो सिटिंग कैपेसिटी कम से कम तीस स्टूडेंट बन जाए छः बाई तीन का एक बैनर हो छः बाई तीन इफेक्ट का वन नोट एक नोटिस बोर्ड हो पंद्रह कम से कम से कंप्यूटर सिस्टम हो एक प्रिंटर हो एक स्कैनर हो बायोमेट्रिक डिवाइस हो एक प्रोजेक्टर हो ठीक है गाइस सॉफ्टवेयर हो ऑल कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस ओम एस सब होना चाहिए पावर बैकअप होना चाहिए ठीक है गाइस ऑल सिस्टम कनेक्टेड में इंटरनेट होना चाहिए इंटरनेट स्पीड बने एम से ज़्यादा होना चाहिए और टीचिंग स्टाफ होने चाहिए फुल टाइम पार्ट टाइम एक एक ठीक है गाइस ये हो गई एलिजिबिलिटी के लिए मान के चलिए आपका सी एस सी एकेडमी सेंटर सी एस सी सेंटर है केबल ठीक है उसमें आपको कंप्यूटर थोड़े से बढ़ाने हैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना है आपका काम हो जाएगा ठीक है फोर्थ पॉइंट बताते हैं इतनी सारी चीज़ हम समझ गए हैं तो इसको हमें रजिस्टर कैसे करना है ये जान लेते हैं आज हम ठीक है सबसे पहले आपको बी आपको एप्लीकेशन को फिल करेंगे पूरा ऑनलाइन फॉर्म को ठीक है फिर उसको फ़ीस पे करेंगे जैसे ही इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाएगी आपकी फ़ेल हो जाएगी फीस इन्फॉर्मेशन करेंगे सबमिट करेंगे उसके बाद क्या करना है आपको आपकी जो सबमिट जब करेंगे तो आपकी जो सबमिट के बाद पहुंचेगी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल टीम के पास से तो उसके बाद आपके सेंटर पर जो आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आएंगे आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सी एस सी की से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कौन हो वो सर्च करके आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर यदि आपका सब कुछ सही रहता है तो वो अप्रूव अप्रूव करके सेंड कर देंगे स्टेट टीम के लिए स्टेट टीम यदि अप्रूव कर देती है तो फाइनल अप्रूवल के लिए चली जाती है सेंट्रल और जैसे ही फाइनल अप्रूवल हो जाता है आपको एक लॉग इन आई डी पासवर्ड आपके मेल में मिल जाएगा ठीक है फोर्थ पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर कि हमें रजिस्टर कैसे करना तो ये देखिए रजिस्टर है यहाँ पे आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आपको रजिस्टर करना है ठीक है गाइस मैं लॉगिन करके बता देता हूँ आपको देखिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया रजिस्टर हेयर पे तो ये देखिए क्या है ये ऐसा स्क्रीन इसलिए आपके लिए फॉर्म ओपन होगा जैसे आपको फिल करना फिल है फिल भरना है न्यूज से अपने सेंटर की इन्फॉर्मेशन भरना है कितनी जगह है कितने कंप्यूटर हैं आपको वैसा ऊपर एक फॉर्म ओपन होगा उसको भर के सबमिट करना जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको ऐसा ओपन होगा मैं बता देता हूँ कैसे जैसे ये डाउनलोड डाउनलोड में ये हमने जो हमारे सी एस एकेडमी के लिए जो इन्फॉर्मेशन भरी हुई है वो है ठीक है अब हम मैं करता हूँ मैं आपको बता दूँ ट्रैक रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप अपने सी एस एकेडमी की ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कहाँ तक हमारे सी एस एकेडमी की उन्नति हुई है या कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है ये देखिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सेंटर जी रेडी टू वर्क प्लीज अप्रूव यहाँ से अप्रूव हो गया हमारा स्टेट हेड से रिकमेंडेड अप्रूव है फाइनल सेंटर के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा वेट करना है वेट करने के बाद आपको आपकी जो सी एस एकेडमी है वो फाइनल अप्रूव के लिए प्रोग्रेस हो जाएगी ठीक है गैस यदि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दी कि आपका ये वीडियो सही रहा या कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं ठीक है गाइस बहुत बहुत धन्यवाद गाइस थैंक यू हमारा पूरा वीडियो वॉच करने के लिए यदि अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू गाइज